औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज बागवानपुरा में मखदूमपुरा पीएससी की जानिब से, बागवान ब्रदरी के जमीयतुल बागवान की जानिब से यहाँ पे एक कैंप रखा गया है। ये कैंप जैसा कि पहले हबा कार्ड यहाँ पे आज बनाया जा रहा है, पहले इसी टाइप के जो है ना कई कार्ड बनते थे, आयुष उस्मान भारत कार्ड जो हेल्थ के लिए काम आता था, ये भी कार्ड जो है ना अभा कार्ड, आयुष्मान अभा कार्ड बोल के ये नया जो है ना गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट स्कीम निकाली है, वो स्कीम के तहत जो है ना स्टार्ट हुआ है। तो हमने जो है ना आज बागवानपुरा में जो है ना ये कैंप रखे हैं। तमाम बागवान बिरादरी से और इस वार्ड के लोगों से अपील करते हैं मैं कि वो यहाँ पर आके जो है ना अपना आधार कार्ड लिखा के अपना जो है ना अभा कार्ड बना लेके हेल्थ के जो है ना आप सहूलतें फ्राम कर सकते हैं। ये कार्ड बनाने के बाद आपको जब भी कोई अगर डिसीज है, कोई बीमारी है, तो उसको जब बड़े दवाखाने में जाके बता के एक वहाँ से एक रेफरल लेटर लेना पड़ता है। आप जो भी दवाखाने में बता रहे हैं तो ये लेटर वहाँ पर, ये कार्ड वहाँ पर काम आता है। और ये यहाँ पर ही नहीं बल्कि मोमिनपुरे में इंशाल्लाह ताला एक दो चार दिन में और दो तीन जगह हम ये कैंप डालेंगे। मैं मेरे वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी डालेंगे हम आपको इत्तला करेंगे, तो आप जो है ना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो है ना हेल्थ के लिए जो ना प्रॉब्लम है, जो है ना अपने पेरेंट्स को, बड़ों को, बच्चों को आते हुए, तो ये जो है ना ये कार्ड काम में आता है, इसका फ़ायदा हम पूरा उठाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आज रखा गया है एक दिन के लिए। इसके बाद दो तीन मोहनपुरे में वार्ड नंबर 22 में मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके DHO साहब से, रेणुका कट्टी मैडम से बात करके हम जो है ना और दो तीन जगह मोहनपुरे में रखने की कोशिश करेंगे। उसका डेट की इत्तला आपको देंगे।